बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड ने बड़ी मुश्किल से ब्रेक्सिट किया, काफ़ी सालों से शोर मचता रहा, काफ़ी सालों से इनकी कोशिश रही कि हमारा ब्रेक्सिट हो जाए। आखिरकार ब्रेक्सिट हो गया, यूरोपीय यूनियन रोकती रही, तमाम मामला चलते रहे। यूरोपीय यूनियन ने बावर करवाया कि यूके जो है वो सेपरेट होने के बाद इन इन मसाइल का हल जो है उनके पास नहीं होगा, वो प्रॉब्लम में घिरेगा। लेकिन यूके ने यूरोपीय यूनियन की कोई बात भी नहीं मानी और आखिरकार ब्रेक्सिट हो गया। अब कंडीशन ये है कि सिर्फ 6 से 7 महीने गुजरे हैं तो यूके को तरह तरह के मसलों ने आन घेरा है, जिसमें आपके सामने तमाम सिचुएशन वाजे है। अब जो जर्मनी में नई सोशल पार्टी जीती है, उनके जो सरबराहान हैं, जो ख़ास तौर पे उनके एक सरबराह हैं, उनकी तरफ से एक अहम बयान सामने आया जिसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन्होंने कहा कि हम जो यूरोपीय यूनियन ने इसने काफ़ी समझाया था यूके को, बोरिस जॉनसन को जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, कि वो ब्रेक्सिट की तरफ ना जाएँ। अगर वो ब्रेक्सिट की तरफ जाते हैं तो यूके को बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का सामना होगा। लेकिन बोरिस जॉनसन ने, यूके की हुकूमत ने उनकी ना मानी और आखिरकार कंडीशन उस नहज पे पहुंच चुकी है जिस नहज पे काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हैं। उन्होंने कहा कि अब यूके में जो ट्रक ड्राइवर्स का सबसे बड़ा बहरान आया है, ये सिर्फ इस वजह से आया कि वो यूरोपीय यूनियन से अलहदा हुआ है और बहुत सारे जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वापस अपनी होम कंट्रीज को आ चुके हैं, यानी यूरोपीय यूनियन में आ चुके हैं। अब उनका साथ ये भी कहना था कि अब यूके जो है वो दोबारा से वर्क परमिट पे उसी यूरोपीय यूनियन से बंदों को मंगवाना चाहता है जहाँ से उसने बंद किया था। फ्री मूवमेंट जो हमारा यूरोपीय यूनियन का ख़ास एक कानून है, उसको ना फॉलो करने की वजह से, और उनको नहीं चाहते थे कि वो फॉलो करें, तो इस वजह से वो सेपरेट हुए। अब उसी कानून को दोबारा फॉलो करने के लिए वो हमसे वर्क परमिट्स पे बंदे मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि यूरोपीय यूनियन में ख़ुद बहुत बड़ी शॉर्टेज है ट्रक ड्राइवर्स की, जहाँ पर उसने जिक्र किया है पोलैंड का, जर्मनी का, नार्वे का और बाकी यूरोपीय ममालिक का, जहाँ पर नंबरिंग भी दी गई है कि लाखों में, हज़ारों में यहाँ पर भी ड्राइवर्स की शॉर्टेज है, इस वजह से मुमकिन नहीं है कि हम इंग्लैंड की मदद कर सकें, इंग्लैंड को यहाँ से ड्राइवर प्रोवाइड कर सकें। तो दोस्तों इसका लिंक आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ख़ुद भी इसको क्लिक करें, रीड करें और देखें कि यूरोपीय यूनियन के मतवक्का जो इस वक्त सरबराहान हैं और ख़ास तौर पे जो जर्मनी के सरबराह हैं जो आने वाले वक्त में चांसलर बन सकते हैं जर्मनी के, उन्होंने इंग्लैंड के बारे में ऐसी बात कही है, क्या इसके रिजल्ट होंगे और इंग्लैंड पर क्या इसके बुरे असरात पड़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।